अभी ऑक्सीजन सप्लाई इसका कोटा निर्धारित हुआ, शुरू में 152 मीट्रिक टन और अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं अगर ये चीज ज्यादा आगे बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट ही आएगा। तब इसमें से एक विचार हमारे प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हमारे रेलवे मंत्री, इन लोगों ने हमको एक विचार दिया कि जहां जहां गैस के ऑक्सीजन का उत्पादन है हम वहां अस्पताल बनाए तो इस संकट में से उबर सकते हैं। तब ये विचार आया महीना भर पहले और मुझे ध्यान है कि 26 अप्रैल को मैं आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500-500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारे आईओसी यहां पर और हिसार में जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री और भी जितने विभाग लगाए गए उन सब विभागों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी 26 अप्रैल आज 16 मई, मात्र 20 दिन के अंदर, 20 दिन में भी प्लानिंग में शुरू में 5-6 दिन निकल गए। बाल जापान के लोगों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया। हमारी बाल जापान पंचायत ये बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने पहली जब कोरोना की लहर आई थी उस समय मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड की जब स्थापना की तो उस समय 10.5 करोड़ रुपए इस पंचायत ने हमको दिया और अभी भी इस बार 1.5 करोड़ रुपया इसमें भी इन्होंने योगदान दिया है। तो मैं इस गांव का विशेष आभारी हूं। प्रारंभ में गांव के कुछ लोगों में एक असमंजस था कि हमारे गांव के निकट ये अस्पताल बनेगा, कहीं इसका प्रभाव गांव पर ना पड़ जाए, लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया कि ये प्रभाव तो बिना अस्पताल के भी अगर पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे, और ये प्रभाव अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर अस्पताल बनता है तो उसका बल्कि लाभ हो जाएगा कि हमारे गांव के बहुत निकट एक अस्पताल होगा, अगर प्रभाव पड़ेगा तो इलाज जल्दी हो जाएगा। गांव के लोगों को ध्यान में आया, उन्होंने ये सारी 12 एकड़ जमीन हमको दी है। तो इसलिए ये अस्पताल जिस पर लगभग 28 करोड़ रुपए का खर्च आया है कम से कम समय में, हम ये चाइना में तो सुनते थे कि कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है उन्होंने 15 दिन में खड़ी कर दी, 20 दिन में खड़ी कर दी, 12 दिन में खड़ी कर दी। भले ये बिल्डिंग नहीं खड़ी की है लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम एक बिल्डिंग से कम नहीं है। सारी व्यवस्थाएं, फिर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ईएसआई के लोग, आईएमए के लोग, जिन्होंने भी हमारा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ इसराना में, क्या नाम, एनसी मेडिकल कॉलेज, उन्होंने अपना स्टाफ ये हमको दिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सामूहिक रूप से एक ऐसा विषय जो पहले सोचा कभी नहीं था इतना जल्दी तैयार हुआ, आज इसका हम उद्घाटन यहां कर रहे हैं। 500 बेड का ये बनना है, 300 बेड का तैयार हो चुका है, साथ ही 200 बेड का और लगातार तैयार हो जाएगा। आज ये किसी प्रकार का अस्पताल मैं हिसार में उद्घाटन करके आया हूं, वो भी 500 बेड का अस्पताल है, वो भी चालू हो चुका है।